कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान आंदोलनरत हैं और आज किसानों के मसीहा कहे जाने वाले दीन बंधु छोटू राम की 76वीं पुण्यतिथि है। देश भर में अलग अलग जगहों पर छोटू राम की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उन्हें नमन किया जा रहा है। इसी मौके पर गुहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने भी छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और कहा कि सर छोटू राम ने अंग्रेजों से लड़कर किसान मजदूर को उनका हक दिलवाने का काम किया था। वहीं मलिक ने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार इन काले कानूनों को लागू कर मंडियों को खत्म करना चाहती है, देश के किसानों को पूंजीपतियों के आगे गुलाम बनाना चाहती है। आज चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि है, जो गरीबों के किसानों के मसीहा थे। आज किसान और गरीब आदमी जो है जो जीवन यापन कर रहा है तो उनकी वजह से है। चौधरी छोटू राम ने किसानों के गरीबों के हित में कानून बनाकर और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई ली, गेहूँ का भाव दिलवाया और चौधरी छोटू राम ने जो है कर्जा माफ़ी का कानून बनवाया और दूसरे पंचायती राज के कानून बनाकर जो है एक अच्छा ग्रामीण जीवन व्यतीत करने के लिए एक नई दिशा दी थी। चौधरी छोटू राम 36 बरादरी के मसीहा थे, उन्होंने हर वर्ग और हर जाति के लिए काम किया। लेकिन आज जो है किसान पिछले 45 दिन से जो है आंदोलन कर रहा है, आंदोलन करने पर मजबूर है कृषि कानून के विरोध में, उनको लेके क्या कहना है? जो कृषि कानून ये सरकार लागू कर रही है, इन्हीं के खिलाफ चौधरी छोटू राम ने लड़ाई लड़के किसानों को, गरीब आदमी को एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए वो किया था, अगला रास्ता दिखाया था। लेकिन ये सरकार तीन काले कानून लगाकर किसानों को बर्बाद करने के लिए तुली है और ये जो है एक साजिश के तहत पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। क्योंकि प्राइवेट मंडी का मतलब जहां पर MSP लागू नहीं होगी तो किसान का शोषण होगा, बहुत बुरी तरह शोषण होगा। और इस वजह से जो किसान की आज लागत तो बढ़ रही है, लेकिन इस कानून के आने से कोई MSP का कोई प्रावधान नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तीन कृषि कानून बनाकर किसान मजदूरों को बर्बाद करना चाहती है, ऐसे में किसानों की आय दोगुना करने वाली मोदी सरकार को किसानों की मांगे मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को जल्द वापस लेना चाहिए। मलिक ने ये भी कहा कि स्वयं BJP के प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा था कि केमिस्ट्री देना संभव नहीं है, लेकिन हरियाणा की मंडियों पर 400 करोड़ रुपए का कर्ज है। आज तीन काले कानूनों से सरकार मंडी व्यवस्था को भी खत्म करना चाहती है। गुहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी TV।